तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो क्या हाल है आप सभी के? तो भाई होप यू आर एवरीबॉडी इज गुड। तो भाई आज के स्टॉक के अंदर में आपने टाइटल देख लिया होगा, तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो भाई आज वाघा बॉर्डर जा रहे हैं। तो सिंपल था है, तो ये व्लॉग ना थोड़ा सा लेट आया क्योंकि अपलोडिंग का इशू है, क्योंकि इंटरनेट यहाँ कहीं आ नहीं रहा जिस इलाके में बैठे हुए हैं। तो एडिट तो कर लूँगा मैं इसको, लेकिन अपलोडिंग का इशू है। तो अब दोबारा कहीं अगर इंटरनेट मिलता है तो वहाँ जाके इसको अपलोड करेंगे। तो अब जरा मैं फ्रेश हो लूँ, उसके बाद मिलता हूँ। अभी हम लोग क्या कहते हैं छत पर है, मैंने कहा नीचे बहुत शोर रहा था तो ऊपर जाके थोड़ा बहुत शूट वूट कर लेते हैं। भाई अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब गे ना कहना जो पहले व्लॉग के अंदर कपड़े पहने थे वही पहन लिए यार, मज़ेदार ही पसंद ही आए हैं तो मैंने पहन लिए। तो और वैसे भी ये व्लॉग कितने दिन बाद आ रहा है और साहब लगा लो तो पहन नहीं थी मैंने। तो अब भाई अभी सारे रेडी हो रहे हैं नीचे, जब मैं अकेला रेडी हो गया, दो तीन लोग और रेडी हो गए, अब बाकी सब जितने भी रेडी होंगे फिर उसके बाद ही हम लोग सारे जाएंगे वाघा बॉर्डर। ऊपर से धूप इतनी तेज़ हो रही है कि नज़र भी कुछ नहीं आ रहा, ऊपर से सांस इतनी चढ़ी, ऊपर से मेरी रात को इतनी तबीयत ख़राब हुई है, फिर भी मैं ना ब्लॉक कर रहा हूँ। बहुत वो ब्लॉक करने वाली तबीयत नहीं है मेरी। तो भाई फिर भी अभी हम ना क्या कहते हैं सीन वीन करते हैं कुछ, तो कोई हल्ला गुल्ला डालते हैं फिर उसके बाद ही निकलेंगे। भाई अभी हम लोग क्या कहते हैं नीचे उतर के आए हैं, तो अपनी कैमरा तो भाई इसका आउट ऑफ फोकस बीच में ना कभी कभी बंद हो जाता है, बैक कैमरे का, फ्रंट कैमरे का तो पता चलता रहता है कि क्योंकि स्क्रीन सामने जो होती है। तो अब बैक कैमरे से मैं सारा व्लॉग करने लगा हूँ क्योंकि बैक कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अब सारे आ चुके हैं, मैं अपनी मेरा शूट हो रहा है, टेंशन ना लो मैं अपनी शूटिंग कर रहा एक तो सारे यहाँ पर अपनी ही मस्ती में घूमते रहते हैं, सारा नहीं आना नहीं आ रहे व्लॉग में है, शाबाश एक बस हो गया। ये यार ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी मस्ती में मगन बैठा हूँ तो छगन को, अच्छा छगन से कुछ याद आया, जो अपने ट्रिगर भैया नहीं जो छगन ग्लोवर के नाम से याद है, तो पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी खुली है जिसका कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी का नाम भी छगन है। तो मुझे ये बात ट्रिगर भैया नो कोई भी ब्लॉग में नहीं आने का, आज अपन बनाएगा वो तो भाई कोई किसी को भी नहीं आने का, आवाज़ें आ सकती है लेकिन मैं किसी और को नहीं लाऊंगा, ठीक है? जस्ट शट अप, गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती प्रूव करा दिया यार इन्होंने। तो भाई अभी यहाँ पे हल्ला गुल्ला मैंने कहा था जिस तरह हल्ला गुल्ला यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अभी रिक्शे का वेट कर रहे हैं, रिक्शे को बल्ले पिकअप करेंगे तो रिक्शे पे बैठ के सारे वाघा बॉर्डर की तरफ निकलने वाले हैं, तो चलते हैं। भाई अभी हम लोग सारे निकल चुके हैं अपने मंदिर की तरफ, रिक्शा ढूंढते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं, हम किसी का ब्लॉग में नहीं लेने का, हल्के पीछे भी हल्के फुलके भी नज़र नहीं मारनी। और तो माशाल्लाह से हवा बड़ी तेज चल रही है, तो अब रिक्शे का वेट करते हैं, तो रिक्शे को जाके पकड़ते हैं उसके बाद ही कुछ सीन करते हैं। बैठ चुके छिक छिक बड़ा बड़ी सीन मारा, बंदा पता नहीं चला, ना करो कोई मस्ती नहीं, मैं बस मेरा कह रहा है क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे को किसी बुला नहीं अभी निकल रहे हैं यार, जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ पे आपको वैसे तो शर्म बता नहीं देना, तो जैसे ही पहुँचेंगे फिर उसके बाद वहाँ पे बाकी शूट में वहाँ पे। तुम लोग सामने तो तुम लोग के सामने अगर वो झंडे नजर आ रहे हैं ना, एक तो यहाँ पे फोकस करना बहुत मुश्किल है, तो सामने इंडिया पाकिस्तान का अगर नजर आ रहा है, इधर वीडियो क्वालिटी बहुत खराब आने वाली है, बहुत ही अब जूमिंग बहुत क्या वाला। तो अभी सारे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो सारे यहाँ बैठे वहाँ पहुँचेंगे तो थोड़ा बहुत और अलग अलग डालेंगे, तो अभी बैठे लोग समझ कुछ नहीं आ रही क्या करना है, ब्लॉग शूट करूँगी ना, अलग ही सिचुएशन है भाई। अब डेफिनेटली गरीब पहुंच गए, अब तो वो बॉर्डर के सामने वाली जगह, तो अब सामने वहाँ पे सिर्फ बैरियर क्रॉस कर लें तो उसके बाद हम वाघा बॉर्डर में आ जाएंगे, तो वहाँ का सारा सीन देखते हैं। अभी यहाँ पे हम रुके हुए हैं, तो वो तो ये क्या सीन हुआ, अच्छा वो रोक रहे नहीं, मैं डर गया था कहता नहीं क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे आगे जाके सारा सीन देखते तो क्या होना है, तो अब वहाँ पहुँच के ही आपसे डिटेलिंग में सारा बात करते हैं। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो अब सारा यहाँ पे सीन, अब
पूछने दो, पैदल जाने अंदर आ रहा ना, जाना किधर से, किस जगह से है, है? से तो अभी टाइमिंग रहती है मेरे ख्याल से, यार ब्लॉग के चक्कर में ठुकने लगा था, तो टाइमिंग रहती है सारे यहाँ पे जमा हो, जैसे ही वाघा बॉर्डर खुलता है तो सारे इकट्ठे ही अंदर जाएंगे, तो आगे से वहाँ से चलते हैं, चलो चल आ जाओ, मैं हूँ तो साथ यार, एक तो ये अग्मीना, तो अब यहाँ पे वेट करते हैं कब खुलता है, तो अब सारे यहाँ पे वेट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, और जैसे ही खुलेगा सबने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करनी, अंदर भागने की करनी है, तो अब चलते हैं, अभी सीधा सीधा एंट्रेंस मेरे से नहीं, मत हो रही नहीं हो रहा, मैं अपना व्लॉग बनाऊँ, ये फौजियों के साथ खड़े हो गए, ऐवी शुरू हो जाऊँ, हैं बताओ, फौजियों के साथ ऐवी शुरू हो जाऊँ, समझ ही नहीं आती यार, तो चलो अब यहाँ पे अब देखते हैं पूरा सीन, क्या हाल चाल है, क्या हाल है, ये स्प्राइट की बोतल किसकी गिरी है तो अब आगे सीधा जाना है, यहाँ से पूरा ही पैदल जाना है, वो सामने आप देख सकते हो अपने वतन का झंडा, ऑटो फोकस दोबारा ऑन कर दीजिए भैया ने, जैसे मुझे रोका ना मेरी तो भैया हवा टाइट हो गई थी, मेरी हवा टाइट वाला सीन हुआ पूरा, तो अभी सारा अंदर वगैरह चलते हैं, तो फिर उसके बाद सबने, हाँ सबने ही लेस पकड़ी हुई है, तो अब सामने है सारा हमारा, एक तो यहाँ पे पूरी रोशनी नहीं पड़ रही, उल्टा चलना पड़ रहा है, पूरा फेस ब्लैक आ रहा सर्फ से, उस तरफ से सरफ से, मैं तो भाई रिवर्स मोड में ही चलने वाला हूँ जरा मैं कैमरे का एंगल चेंज करूँ, जरा अभी स्कैनिंग होने वाली है हमारी, क्या मोहम्मद स्कैन होने वाला है, डर तो ही लग रहा, फर्स्ट टाइम इन वाघा बॉर्डर यार, हम लोग सारे पहुंच चुके हैं यहाँ पे, परेड स्टार्ट हो गई, मेरे सही टाइम पे करेक्ट टाइमिंग पे पहुंचे, तो अभी परेड का सारा सीन वीन देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, तो अभी परेड स्टार्ट ही हुई है, तो बेटर ऐसे सही है, तो भाई सीन वीन बहुत हो गए सारे मजेदार, सही जा रहा है भाई, पूरी ऑडियंस, पूरी ऑडियंस सही मजे में बैठी है, फर्स्ट टाइम आए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, चलो बाकी का सीन फागो टाइमलेस स्पीड में करके दिखाते हैं, you
अब अलग तो रहे चला गया तो भाई अभी हम लोग क्या कहते हैं सारा फारिग फुरग हुए हैं, थक थक गए हैं, मेरी तो बस हो गई यार, इतना थक गए कि क्या है बताओ। आप ब्लॉग का कहते हैं घर जाके एडिट भी करना, मैं सोच रहा हूँ उसको जैसे ही फैसला पहुँचूंगा वहाँ तो अब एडिट कर लूँ ताकि इजी हो जाए, वरना फ़ोन पे एडिट करना बहुत मुश्किल होनी है।
तो अभी बस का वेट कर रहे हैं, जैसी बस आती है फिर बाहर निकलते, फिर उसके बाद घर पहुँच के मैं सीधा आउटरो करने वाला हूँ, क्योंकि भाई हालत ख़राब है, हालत नहीं सही यार। तो भाई आज का ब्लॉग थोड़ा सा ही लंबा, या लंबा भी हो गया, तो बीच की जो परेड थी ना फुल नहीं मैं दिखा पाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी परेड थी। तो उसके बाद थक गए थे, नगमे वगैरह चले थे, तो अब बस हो गई, अब देखते हैं कैसी, मतलब जैसी बस आती है तो निकलते हैं। अभी हम सारे पेंट भरवा थे, अंकल ने बड़ा शुभ मेरा लगाया, देखो पूरा ही रंग कर दिया अंकल की जगह, तो दिखा लो अंकल, अब जब भी वाटर वाघा बॉर्डर आए तो अंकल से जरूर मिलना। थैंक यू सो मच अंकल चुका मेरा लगाने में बड़े मास्टर है। चलो हम सारे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया यार, छा गई तो बस में बैठते हैं, तो फिर अब सारे चलते हैं। चलो मैं तो चल देता हूँ, चलो चलो भाई अब निकल गए हैं, तो घर जाके ही मिलते हैं, फिर आउटरो मारते हैं, ब्लॉग खत्म करते हैं। तो ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर देना यार, देखो पूरी हालत ख़राब हुई पड़ी है। तो यार अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा साथ से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।